यात्रा का सातवां दिन है। आज हम राजा मंडी में आए हुए हैं, जहां पर हमने पेश वार्ता कर बताया भी था कि यहां पर हर साल नवरात्रों में एक ऐसा, जैसे कटरा में जैसे जम्मू है वैसा ही यहां पर बसाया जाता है, जब वैष्णो देवी के वहां दर्शन करते हैं वैसा ही ठीक हूबहू यहां पर ऐसी चढ़ाई वैसी गुफा सब कुछ बनाया जाता है। तो अभी हम उसी स्थान पे खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माता की मूर्ति रखी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर हर साल नवरात्रों में धूमधाम से नवरात्र पूजन किया जाता है। हम यहाँ पे लोगों से ही बातचीत कर रहे थे और फिर हम आपको पूरा दिखाएंगे यहाँ पे इसकी चढ़ाई गुफा गर्भ गुफा सब कुछ दिखाएंगे, किस तरह से आगरा में जो जम्मू कटरा में मतलब माता का स्थान है वैसे यहाँ पे बसाया गया। तो आइए हम ले चलते हैं उस जगह पर जिस तरह से किस तरह से यहाँ पे सजाया गया है। तो इस वक्त हमारे पीछे जिसमें लिखा है माँ वैष्णो देवी चढ़ाई प्रवेश द्वार, ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। जैसे कि यहाँ कटरा में जब ऊपर पर्वत पर चढ़ा जाता है तो वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर चढ़ाई की वो झलक दिखाई दी है, और यहाँ पर चढ़ाई के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कि किस तरह से पर्वत पर चढ़ा जाता है। तो आइए हम ले चलते हैं किस तरह से हम यहाँ पर साज सज्जा की गई है। तो अभी हम चढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये चढ़ाई गई है। अब ऊपर आ चुके हैं और हमारे साथ देखते जाइए कि किस तरह से यहाँ पर जो चढ़ाई का द्वार बनाया गया है। हालांकि ये थोड़ी सी जो झलक है कटरा में इसे वैष्णो देवी की तरफ बनाया गया है, और हमारे पीछे आप देख ही सकते हैं कि एक तरफ रेलवे स्टेशन है राजा की मंडी, और दूसरी तरफ ये हर साल की तरह यहाँ पर सजाया गया है। राजा की मंडी स्टेशन के पास हर साल सजाया गया है और हर साल बनता भी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से चढ़ाई बनाई गई पूरी, ये लकड़ी की फॉर्म है, लकड़ी की जो परत है बिछाई गई है। अब इसमें लिखा है हार्ट पेशेंट गुफा में प्रवेश ना करें, क्योंकि आप सिंपल सी बात है गुफा में होती थोड़ी घबराहट हो जाती है हार्ट पेशेंट लोगों को, पर लेकिन सब युवाओं के लिए आराम से जा सकते हैं। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हालांकि ये बच्चों के लिए मनोरंजन का लग रहा हो कि मनोरंजन हो रहा है बच्चों का, पर लेकिन अगर श्रद्धा से आया जाए और अगर श्रद्धा से सोचा जाए तो बिल्कुल कटरा जैसा ही फील हो रहा है, यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये हम यहाँ पर उतर चुके हैं सीढ़ियों से, और ये आप हमारे पीछे अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है गर्भजून गुफा और दूसरी है यह इस गुफा से निकलने का रास्ता। तो अभी हम गर्भजून गुफा में एंट्री करते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, हमारे साथ आइए। ये है गर्भजून गुफा, आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि गर्भजून गुफा जैसे होती है ठीक वैसे ही ये गुफा बनाई गई है, और यहाँ पर पतली सी रास्ता बनाया गया भक्तों के जाने के लिए। तो हम धीरे धीरे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर गर्भजून गुफा बनाई है। लोगों को घबराहट ना हो अंधेरे की वजह से यहाँ पर लाइट का भी इंतजाम खास तौर पर किया गया है, और नीचे आप देख सकते हैं जो मट्टी की जो गीली गीली मट्टी है पूरा इस तरह से लेप दिया गया है कि जिससे कि मट्टी झड़े नहीं और किसी के ऊपर गिरे नहीं। ये गुफा से हम एंट्री करते जा रहे हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं, और काफी अच्छी जो गुफा है ये बनाई गई है बिल्कुल गर्भजून गुफा की तरह, और यहाँ पर गर्मी ना लगे लोगों तो जो पंखा भी बनाया गया है आप देख सकते हैं, और लोग यहाँ पर झुक झुक के चल रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि माता की मूर्ति रखी गई है, और यहाँ पर दर्शन कर करके भक्त आगे जाए। तो ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर गर्भजून गुफा में, माता की मूर्ति रखी गई है और यहाँ पूजा के लिए कि भक्त हाथ जोड़े, और यहाँ पे भक्त भी आए हैं आप देख सकते हैं। चलिए भक्तों से बातचीत कर लेते हैं जी। आप पहली बार आए हैं इस गुफा में या आते रहते हो? पहली बार ही है। पहली बार किसी ने कहा था आपको कि वहाँ दर्शन करने के लिए, या किसी के द्वारा ही ऐसे चामुंडा मैया के मंदिर पर आई थी तो मुझे दिखा तो मैं दर्शन कर लिया। आप लोग भी पहली बार आए हो? ठीक है। कभी जम्मू गए हो आप? जम्मू नहीं गए, अब फील हो रहा है कि हाँ कटरा में आ गए। हाँ ठीक है, आप लोग भी पहले आ चुके? नहीं मैं आ चुका हूँ। आ चुके हो हर साल की तरह? हर साल की तरह। जम्मू गए हो आप कभी? नहीं अभी तो नहीं गए। नहीं गए, ठीक है। तो भक्त बता रहे हैं कि कुछ की पहली बार आए हैं और कुछ आ चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पे अंदर ये निकलने का रास्ता है वो आपको दिखा रहे हैं गुफा से निकलने का, और यहाँ पे निकलने का रास्ता आप देख रहे हैं रोशनी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ऐसे रास्ते से निकलेंगे। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से गर्भजून गुफा से, और इसमें लिखा है बोलो जय माता की वैष्णो देवी मैया की जय, और यहाँ पर निकल चुके हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बाढ़ गंगा,
अभी बाढ़ गंगा, जैसे कि कटरा में आप जाएंगे तो वहाँ पे बाढ़ गंगा पड़ती, इसी में स्नान करके लोग जो भक्त हैं चलते हैं, कहते हैं कि इस बाढ़ गंगा में नहाने से जो भी जितने पाप होते धुल जाते, एक गंगा की तरह ये पवित्र है बाढ़ गंगा। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पानी नहीं है, पर लेकिन शाम के वक्त आएंगे तो यहाँ पानी होगा। आप कीचड़ तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे कीचड़ बनी हुई है किस तरीके से, और यहाँ भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही वैष्णो देवी की तरह है, पिंडी जो मुकुट है छत्र रखा हुआ मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बिल्कुल हूबहू जम्मू में जिस तरह से माता का मंदिर है, सेम वैसे ही यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर साज सज्जा भी आप देख सकते हैं, जिसने भी जो बनाया है मंदिर काफी बहुत ही भव्य और अच्छे तरीके से बनाया है। हम दर्शन कर चुके हैं और अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं, जैसे कि जम्मू में है माता के दर्शन करने के बाद ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं और वहाँ पर भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं कि अगर मनोकामना आपने मांगी है माता से और अगर भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी मनोकामना अधूरी हो जाती है, पूर्ण नहीं होती। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो भैरव जो घाटी है, भैरव जी की जो मूर्ति है, मंदिर है उनका बनाया गया ऊपर दर्शन करने के लिए। ये चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं और जो एकदम फील होता है कि हम जैसे कटरा में आते हैं दर्शन करने का, ठीक वैसा ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भैरव जी का बनाया गया है, सर रखा गया है। वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि माता ने जब उनका सर धर से रखा था, वो जो धर था उन्होंने ऊपर डाला फेंका था, तो ऊपर जाके घाटी पर उन्हीं का मंदिर बनाया गया। तो उसी तरह से ये घर बनाया गया है और यहाँ पर जो भैरव जी का इधर आप देख सकते हैं, इनकी पूजा पाठ के लिए लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आइए हम नीचे चलते हैं, और भी यहाँ पर साज सज्जा की गई है। अभी यहाँ पे आए हैं, ये अमरनाथ की जैसी गुफा है, बर्फानी गुफा वैसी बनाया गया। यहाँ पर आप शिव जी को देख सकते हैं, सफ़ेद तरह के दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि अमरनाथ में व्हाइट रंग के एकदम प्योर सफ़ेद दिखाई देते हैं, वैसे ही शिव जी का रूप बनाया गया है। यहाँ पर मतलब भक्त अगर आए तो शिव जी के भी दर्शन करें, माता के भी दर्शन हो जाए और भैरव बाबा जी के दर्शन करें। आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आप पहली बार आए हैं या आते रहे हैं। आपका नाम जयश्री, जयश्री जी आप पहली बार यहाँ पर बनाना है नहीं? गुफा में तो पहली बार बहुत अच्छा। अब जम्मू गए हो आप? नहीं वहाँ कहीं नहीं गए, पहली बार यही आए। पहली बार आते हैं आप? आप भी पहली बार आए थे आपके? नहीं पहली बार आए। पहली बार आए दर्शन कर लिए? हाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ जैसे कि जम्मू में देश सुना है, देख रहे वैसे ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है। अभी आप पहली बार आए? हम भी पहली और जैसे लोग बता रहे हैं कि पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग जम्मू नहीं जा पाए हैं माता के दर्शन करने के लिए, उन्होंने यहीं पर ही दर्शन कर लिए। तो एक भव्य तरह से आयोजन किया गया है कि लोगों को बिल्कुल ऐसा ना लगे कि वो जम्मू जाकर दर्शन नहीं कर पाए माता के, और यहीं पर दर्शन कर लिए हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।